सर, पुलिस वालों को इस गांव के अंदर जाना मना है सर। वो क्यों? ये सरकार का किला है, पुलिस वालों को यहाँ एंट्री नहीं है सर। ए, पुलिस वाले के सामने घमंड से सिगरेट पी रहा है। ए, गांव में पुलिस नहीं आ सकती, ये किसने रूल बनाया है? सरकारों की सरकार सर। ए, क्यों रे इतना डर रहा है? कौन है वो सरकारों का सरकार? मालकिन, सरकार आ रहे हैं। भाभी, भैया आ रहे हैं। अरे मुनिया जी, चूल्हा झाड़ू से साफ किया जाता है क्या? उसे समझ क्या रही हो तुम? सफाई कर रही थी जी। सफाई मालकिन खुद करती हैं। परंपरा से इस झूले को कोई छूता नहीं है, समझी? आपके आदेश से किसी को खुशी भी मिल सकती है या दुख भी हो सकता है, लेकिन न्याय को मत छोड़ना। बच्चों के सुख के लिए सभी भगवान से मन्नत मांगते हैं सरकार, सरकार, लेकिन इन्हें देखकर बच्चे ही नहीं चाहिए, एक ऐसा लगता है सरकार। दोनों की शादी की, दोनों अलग रहते हुए भी मुझसे पैसे लेते हैं। मेरे पास थोड़ी जमीन थी, उसको भी ले लिया दोनों ने। आगे मेरी जिंदगी का क्या होगा सरकार? इस उम्र में हमारे कमाने की शक्ति नहीं, और ये दोनों हमारी देखभाल नहीं करते। यही है ना बड़ा बेटा, इसके साथ रहना। क्यों, छोटे बेटे के घर में रहना मना है क्या? मेरे घर का खर्च ज्यादा है, तू ही इन्हें लेके जा। मेरा भी खर्च ज्यादा होता है, तू लेकर जा। मुझे क्या पागल समझा है? तू ही लेकर जा, तू लेकर जा, तू ही लेकर जा। रुक जाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उन्होंने कितनी मेहनत से पाला ये पता है तुम्हें? उनकी जायदाद छीन कर उनके लिए लड़ रहे हो? उन्होंने इतनी जायदाद कमाने के लिए कितनी मेहनत की होगी? कई बार भूखे रहे होंगे। ये सब क्यों किया उन्होंने? ताकि कल हमारे बच्चे दूसरों की जमीन पर गुलामी ना करें। तुम दोनों भाई अपने माँ बाप को दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हो, तो उनकी जायदाद पर हक कैसा? मैं देखभाल करूंगी भाई। तुम कौन हो बेटी? मैं इनकी बेटी हूँ। अपना खून पसीना बहाकर हमें पाला है, बहुत ही तकलीफ सहन करके हमें बड़ा किया है, इसलिए ऐसे माँ बाप की देखभाल करने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है।
जैसे मुझे पाला है वैसे मैं भी इनकी देखभाल करूंगी, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। सरकार इनको इनके बीबियों के पीछे जाने दो। शाबाश शाबाश बेटी, औरत एक देवी समान है, ये बात तुमने फिर साबित कर दी। बेटे चाहिए बोलकर अपनी ही बेटियों की गर्भ में ही भ्रूण हत्या करवाने वाले ऐसे ही अविवेकी राक्षसों को तुमने सही सबक सिखाया है। प्यार, पालन पोषण, ममता, आदर्श, इन सब बातों में औरत ही श्रेष्ठ है। जगत के सभी जीवराशियों को जन्म देने वाली औरत ही है। जगत के जितने महारथी हैं उनको जन्म देने वाली औरत है। ऐसी औरत का महत्व इस जगत में कई लोगों को पता नहीं है। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली रहा तो वो तीन माओं का प्यार पाता है। जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करने वाली मां, दुख में सुख में अच्छे बुरे वक्त में बराबर भाग लेने वाली अर्धांगिनी हमारी दूसरी मां होती है। जन्म देने के बाद बेटों से वंचित होकर निराश होकर आश्रय देने वाली बेटी के रूप में ऐसी होती है तीसरी मां। तुझ जैसी बेटियों को देखकर कोई खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूं। तुझे जन्म देने वाले खुश होते हैं, मैं क्या, पूरा जगत ही खुश हो जाता है। ऐसी एक बेटी तो 100 बेटों के समान है। तुम्हारे मां बाप की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे, जाओ। हम गलती मानते हैं सरकार, हमें माफ कर दीजिए। माफी उनसे मांगो, उन्होंने माफ किया यानी भगवान ने माफ किया। अगर तुमने उनकी देखभाल की तो भगवान तुम्हारी देखभाल करेगा। आगे से ऐसी घटना हमारे गांव में दोबारा नहीं होनी चाहिए। मालकिन, मालकिन क्या है? बड़े सरकार है क्या? क्यों? हमें हमारी ही दुकान में व्यापार करने नहीं दे रहे हैं। अचानक 10-12 लोग आकर मारपीट करते हैं, लड़कियों को उठाकर लेकर चले जाते हैं। सरकार ये सब सरकार को मत बोलो, छोटे सरकार इसे देख लेंगे। अरे रे, ये क्या कर रहा है? अरे मेरे अंडे खा रहा है, ये क्या किया? अरे अरे हाय हाय हाय, अरे मेरे सारे अंडों का सत्यानाश कर दिया, अरे अंडे पी गया ये। अरे अरे कोई तो पैसे दिया, अरे क्या हो गया? मुनीम जी, क्या है ये? ये गन्ने के खेतों में दवाई डलवाई थी। ये ट्रैक्टर में नया इंजन लगवाया था। ये धान भरने के लिए गोनी मंगवाया था। घर में इतनी सारी गोनियां पड़ी है। लक्ष्मी आई, गेहूं की गोनियों को गोदाम में रखने को कहा था, रखा क्या? तुम्हें नहीं, खेतों को पानी ठीक तरह से नहीं मिल रहा है।
सुबह जाके देखा क्या तुमने? जिन लोगों के हाथ पैर तोड़े उनकी हालत क्या है पूछा तुमने? तुम लोगों को खाना है तो जाकर के खा लो, जाओ दोनों जाकर हाथ पैर धोआओ। चलो चलो। मुनीम जी, आपने खाना खा लिया? छोटे भाइयों के पहले आप कहाँ खाते हो और आपके खाने के पहले मैं कहाँ खाता हूँ सरकार? और ये क्या है? वही बराबर हिसाब। ओ अच्छा, ये बजाना बंद नहीं कर सकते हो क्या? भाभी, आपके पिताजी मेरे मामा का इन दोनों के खेतों में दूधी ही होती है ना? वो क्यों? अरे क्या क्यों, हफ्ते के 6.5 दिन दूधी की भाजी खा खा कर मेरा भाई कैसा हो गया है। साल में एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा उन्हें, और ये भी कब रोता है कब हंसता है कुछ पता ही नहीं चलता है। दूधी की भाजी खा खा कर ये भी बिल्कुल दूधी जैसा हो गया है। अब एक सिर्फ मैं बच गया हूँ, थोड़ा होशियार हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भी एक दिन छोटी दूधी जैसा बनकर रह जाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे। तेरा बहुत ज्यादा हो गया, मुंह बंद करके खाना खाओ। हरी सब्जी आरोग्य के लिए बहुत अच्छी है और उसमें भी दूधी बहुत अच्छी है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। मैंने इतने प्यार से दूधी की सब्जी बनाई है तो तुम लोगों की मस्ती देखो। मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं की तो खाना हजम नहीं होता क्या? ये क्या, ये क्या है? निकाल दो ये। बेबे 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 क्या कर रहे हो? आप ही ने तो कहा था मुंह बंद करके खाओ, ऐसे खा सकते हैं क्या? आप खाकर बताइए। ठीक है। माँ कोई है? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, हमने अभी तक नहीं खाया, तू कहाँ से आ गया? चल जाए यहाँ से। फिर ऐसे घर में क्यों हो मेरे साथ भीख मांगने के लिए? चलो चलो। ए सुनो, ये खाना लो। नहीं चाहिए जी, तुम्हारे घर का खाना नहीं खाना है। अगर मैं भूखा मर जाऊँ तो भी तुम्हारे घर का खाना पेट में नहीं जाना चाहिए मेरे। बड़े सरकार का दिया हुआ आदेश सिर्फ इस गाँव के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है, बुरा मत मानना माँ जी। क्या रे बुढ़िया, तेरे दिल को तसल्ली हो गई? थूक तेरे जन्म को आग लगे। 10 घर का जूठा खाना एक साथ मिलाकर खाने वाले भिखारी ने तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। धत, यही 18 साल से मैं झेल रहा हूँ, यही। वो 2 टके का भिखारी हमारी इज्जत उछाल कर चला गया और तू बैठकर यहाँ खाना खा रही है, बेहया कहीं की। देखने में खूबसूरत है करके छुआ, 1,00,000 मांगती तो दे देता, लेकिन तू गांव वालों को बुलाकर पंचायत बिठाकर मेरी बीवी बन गई तू। हाँ तू इस लड़की पे हाथ क्यों उठाता है? जात पात भूल कर तू उसके पास गया था तब तुझे शर्म नहीं आई? कौन जात पात भूला? हमारे वंश की मर्यादा को भूलकर रास्ते में पड़ी हुई को हमारे घर के मंदिर में लाया था, तेरा भाई वो जात पात भूला था। पीछे पैदा हुई बहन, बहन का बेटा भूल कर दया माया के बगैर 18 साल हमें गांव से बाहर निकाला था, वो था तेरा भाई, शहंशाहों का शहंशाह, वो जात पात को भूला था, वो था। जब मेरे पिता गुजरे थे तो मैंने अकेले इस कंधे पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन मेरी मदद को कोई भी नहीं आया, कोई कुत्ता भी नहीं आया, कोई कुत्ता भी नहीं आया। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भुगता है तो उसे भी भुगतना पड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके वंश को खत्म कर दूंगा। ए, पापी, नीच काम करने वाले तुम दोनों थे और मेरे भाई का सर्वनाश चाहने वाले, तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। ए बुढ़िया, उसकी तरफदारी की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे अरे, अपनी माँ से तू इस तरह से बातें कर रहा है? तू कैसी पनौती माँ है मेरी, तेरे गोद में जन्म लेने के बाद ही तुझे माँ की पत्नी नहीं मिली, सब लोग तुझे बाज कहते थे। हे भगवान, तेरे जैसे पापी को जन्म देने से अच्छा था मैं बाज ही रह जाती तो ठीक था। तू दे दादी को मत मारिए पिताजी, दादी को मत मारिए पिताजी, दादी को छोड़ दीजिए। हे बुढ़िया, मेरी बेटी के लिए आज तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। छोटे, आकर लड़की देख लो, तुम सब भी आकर देख लो,
तो बातचीत आगे बढ़ाएं। सबका भला चाहने वाले हैं, मेरा भला चाहेंगे क्या? ए, पल्लू छोड़, मैं जानता हूं मेरे भाई को मुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है वो मेरे हिसाब से चलेगा। ये फोटो है, देख लो। मुनीम जी, मुनीम जी। आया सरकार। अरे क्या मुसीबत है? घटाओं
जैसी जुल्फें तेरी खुली हैं, प्यार के अमृत से ये मटकी तेरी भरी है, मीठे शहद के जैसे होठ है लाल तेरे, सूरज की रोशनी से चमके हैं अंग तेरे, तुझे देख के मेरा ये दिल मचले, मुझे दिल में तू अपने सनम रख ले, तेरे रूप का ये जादू चल गया मुझ पर। रानी कब आएगी तू, आई ऋतु मस्तानी कब आए, ये चिट्ठी वाली तो नई माल लगती है। वीणा भाई तुम अभी तक शहर नहीं चले गए? तू तो सुबह ही चली गई, मैंने अभी नाश्ता बनाया है, मैं नाश्ता करके शहर जाऊँ चलेगा? ठीक है तुम नाश्ता करके शहर जाओ, मैं हाँ। ड्यूटी पूरी करके आती हूँ। ठीक है बहना, ठीक है। हेलो जेंटलमैन, जरा सुनो, तुम इस आदमी को जानते हो क्या? ये सुबोध है। सुबोध? हाँ। सुबोध है क्या इसका? हाँ। नाम, इसका घर कहाँ है? इसका तो कोई घर वर नहीं क्या? है, इसके बाप ने तो मुजरे में और जायदाद सब लुटा दिए, और ये गांव गांव गली गली भटकता रहता है। वैसे आप कौन है? मैं उसका बाप हूँ। बाप? मेरे पिताजी उसके पिताजी के अच्छे मित्र थे। अच्छा, तो अच्छा। मेरे पिताजी ने कहा था उसके बेटे को बुलाकर एक अच्छी दावत दो, इसीलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। ऐसे मत कर बेटा, ऐसे मत कर बेटा। अरे अपना बदन जलाकर क्या हासिल होगा बता? बैठ कर क्या देख रहा है, जल्दी निकल निकल। नहीं नहीं मत कर, मत कर। अरे बेटा ऐसी तकलीफ में क्यों झेल रहा है तू, क्यों झेल रहा है? बुढ़िया रो, अच्छे से रो, तेरे बेटे की हालत सोच सोच कर रो। 18 साल से हमारा गांव में जाना मना है, किसी से मिल नहीं सकते, हमें कोई भी इज्जत नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। उस जलन के सामने तो यह जलन कुछ भी नहीं है। भाग्य से हे ए, इधर आ, नजदीक आ रहे। सुन, आगे आने वाले त्योहार में काली मंदिर के पहलवान को बुला के उसके सामने इस गांव का कोई भी जीतना नहीं चाहिए, सरकार का सर झुकना चाहिए। जैसे मेरा शरीर जला है वैसे उसका दिल जलेगा। ये क्या कर रहे हो? अरे? अरे क्या कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तुम्हारी कमर पे मेरा हाथ।
अरे दे दे, ये क्या किया तुमने? थाली में खाना डालने को कहा तो भाभी के ऊपर डाल लिया तुमने। अरे जब खाना परोस रही थी तब आप ही। मैंने किया। देखो भाभी, बर्तन किसके हाथ में है? मैं खाना खाने शरीफ बच्चे के साथ बैठा। कौन तुम? शक्ल देखी? बच गई, दाल हाथ में नहीं थी, गरम थी। ये हमारे गांव की नई टीचर है सरकार। नमस्ते छोटे भैया। अरे रुकिए, खाना तो खा के जाइए। अरे भैया बुला रहा हूँ, मैं खाना खाते बैठा रहा हूँ। खाने के वक्त भगवान भी बुलाए तो भी नहीं जाना चाहिए। अरे सुनिए भैया, ये हमारे गांव की नई टीचर है, अनाज घर की सफाई करवा के उनके रहने की व्यवस्था करो। छोटे सरकार खाने को नहीं आए? बाद में खाएंगे बोल के गए हैं। फिर तू खा रही है? मुझे भूख लग रही थी। दोनों का पेट अलग अलग है ना, पति खाने के बाद में ही। हाँ, वो सब उस जमाने में था, इस जमाने में नहीं। भूख लगे तो खाना खाना चाहिए। आइए आप भी बैठिए। मेरे और मेरे पति का पेट एक है, अलग अलग नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। रुको, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कुछ किया है क्या? जिस नजर से तुम मुझे देख रहे हो, मुझे तो पूरा शक हो गया है कि तुम्हारे जैसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारी इज्जत को वो क्या तेरे पार्स में रखी है लूट लेने के लिए? ए, चुप रहो जी, आजकल सब लड़कों ने मेरी इज्जत पर नजर रखना शुरू कर दिया है। देखा देखा, मैंने कहा ना। बहन बहन बहन, भैया बीच रास्ते में ये क्या कर रहे हो? कहा था ना, 3 साल की तेरी बहन खो गई थी, ये वही है। ये तेरी बहन है, बड़ी बहन। शुभ हो। शुभ नहीं, शुभ लक्ष्मी। मैं तेरा भाई हूँ बहन। ये कौन सा नया रिश्ता है? जो भी है मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू मेरा भाई है ना? कसम खा के कहता हूँ, मैं तेरा भाई हूँ बहना। फिर इतने सालों से क्यों नहीं ढूंढा मुझे? देख बहन, तू छोटी उम्र में ही गुम हो गई थी। जहाँ नहीं ढूंढना चाहिए था वहाँ भी ढूंढा। प्रभु कृपा से आज तू मुझे मिल ही गई। चलो बहन घर चलते हैं। विष्णु भैया, विष्णु भैया। क्या है? मुझे एक स्मॉल डाउट है, इस आदमी का फोटो और ये बहन दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना? अरे जाओ यार, 15 साल के बाद मेरी बहन मिली है। फोटो है फोटो, ले जाकर इसका अचार डालो। चलो बहन, चलो बहन, चलो। सुब्बा, फटे हुए डब्बे मिलने पर बनाता हूँ तेरा मुरब्बा। वाओ, बड़े बैठे हैं तो ऐसा नहीं करते। कोई भी होने दो। भैया भैया, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, छोड़ दो। इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? तुम लोगों को मुझे मुड़वा लेनी चाहिए। जाओ मुड़वा लो। छोटे, वाओ, हे
जीत गए, इनके लिए कोई गाना हो जाए। कोई और क्यों गाए छोटे? कोई भूले नहीं ऐसा गाना गाइएगा। पत्थर बना तो मंदिर में रहता हूँ, मिट्टी बना तो धरती में मिलता हूँ, पेड़ बना तो ठंड छांव में करता हूँ, बच्चा बना तो मैं गोद में हंसता हूँ। पत्थर बना तो मंदिर में रहता हूँ, मिट्टी बना तो धरती में मिलता हूँ, पेड़ बना तो ठंड छांव में करता हूँ, बच्चा बना तो मैं गोद में हंसता हूँ। बच्चा मन का सच्चा नाम करेगा रोशन कुल का, प्यारा प्यारा बच्चा मन का सच्चा नाम करेगा रोशन कुल का। पत्थर बना तो मंदिर में रहता हूँ, मिट्टी बना तो धरती में मिलता हूँ। किनारे रहता हूँ मैं, बारिश बना तो फिर सबको भिगोता हूँ मैं, नदिया बना तो सागर में मिलता हूँ मैं।
लक्ष्मी अंगोछा लेकर आओ। जानताराम आने वाले हैं, वो अनाज की बोरियां ले लें। तुम टीचर के घर जाकर बोरियां कितनी गिन लो। अरे तुम कब आई, ऐसे क्या देख रही हो? मैं सामने से आ रही हूँ, मुझे बगैर देखे मेरे हाथ से कॉफी गिराकर अपने भाई के सामने हाथ बांध कर खड़े थे। आप उनके भाई हो या नौकर? मेरे बड़े भैया मेरे लिए बिल्कुल पिता समान है, तो क्या मैं छोटा भाई होने के नाते उनका नौकर नहीं हो सकता क्या? एक काम वाली बाई भी अपने पति का किसी और के सामने सर झुका हुआ देखना नहीं चाहती, और मैं करोड़पति की इकलौती बेटी हूँ, मेरा सर ऐसे झुका खड़ा रहे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मत करो। हाँ हाँ, बाल बिखेर लो, अपना चेहरा नोच लो, कपड़े फाड़ लो, ई करके हंसती रहो। चुप रहो, मैं जब भी सीरियस बात करती हूँ आपको सब मजाक लगता है। मैं भी सीरियस बात कर रहा हूँ, तमाशा नहीं कर रहा हूँ। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हारा भाई नेल्सन मंडेला या जॉन कैनेडिया। वो दोनों नहीं, मैं अपने भैया की परछाई हूँ, समझी? थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। इसलिए मेरी फ्रेंड ने हम दोनों को खाने पे बुलाया, वहां जाना है। तो पहले बताना चाहिए था ना। वो क्यों? मैं भैया से पूछ लेता था। हाँ, ये भी तुम्हारे भाई से पूछना है क्या? हाँ दीपा, भैया ही हमारे सब कुछ है, इस दुनिया में उनके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे तबेले में गाय का बछड़ा है, जब हम उस बछड़े को खोलते हैं तो वो सीधा भैया के पास जाता है, जो भैया कहते हैं वही करता है। बच्चों को जन्म देने से पहले तुम्हारे भाई से पूछना पड़ेगा क्या? हाँ, फिर छी मेरी फूटी किस्मत। दीपू नहलाने आऊं? है, अपने भाई से पूछ के आओ। सब कुछ अय्याशी में उड़ाकर और मुझे बर्बाद करके चला गया। देखो उसी वंश का होकर भी मुझे कोई इज्जत नहीं देता है। पढ़ाई और ऐसी। टीचर, टीचर, टीचर के घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है। लड़की जैसे रहो तो अच्छा है। तुम क्या यहां पर ये सब सिखाने आई हो? तुम औरत जात की इज्जत को कलंकित करने की कोशिश मत करो। फसल कटते ही मंडी में डाल देते हैं क्या? जी पहले हमारे पास काम करने वालों को देना चाहिए। जी माने। फिर गांव में किसी को तकलीफ हो तो उन्हें देना चाहिए, बचे तो मंडी में डालो। नमस्कार सरकार जी। ठीक हो ना? अच्छा हूँ। इसके घर में भी थोड़ा अनाज भिजवा दो। जी मालिक। सरकार एक इम्पोर्टेंट मैटर बताना है। क्या? वही हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाने वाली है ना टीचर, उसे छोटे सरकार ही पढ़ा रहे हैं। समझे नहीं सरकार? आपने सीखा ही नहीं तो समझेंगे क्या? वो टीचर मैडम उनकी रखेल है। सरकार मुझे गाली दे रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है स्पीकर फट गया, स्पीकर फट गया, मेरा स्पीकर फट गया। ये इस मंदिर की विशेषता है, सच्चे मन से पीला धागा बांधोगी तो शादी जल्दी हो जाती है, अगर कंगन बांधोगी तो गोद भराई होती है, अगर पालना बांधोगी तो बच्चे जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही चलते आ रहा है, तुम भी एक पालना बांधो। अरे मैं क्यों दीदी, आप ही बांधो, आपको ही बच्चे नहीं है ना। अठारह साल हुए तेरे दर्शन किए, ऐसा क्या पाप हुआ मुझसे? पानी
ये ऐसे? उन्हें गांव के बाहर रखा है, उन्हें हाथ लगाना भी मना है। अरे वो मर जाएगी। दीपा। गन्ने के भाव गिर जाने से तुमने मजदूरों की मजदूरी क्यों कम कर दी? वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उनके पेट पे लात मत मारो। बेटी थोड़ा पीने का पानी दे देना। क्यों बेटी, क्या बात है? मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ या आपका छोटा भाई जो आपने बुलाया और आपके सामने हाथ बांध के खड़ी रहूंगी? मैं करोड़पति रामलाल जी की इकलौती बेटी हूँ। चुटकी बजाते मेरे सामने 100 लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे सिर्फ पानी देने के लिए इतने लोग खड़े रहते हैं। बड़े हुए तो क्या हुआ, किससे किस तरह बात करनी चाहिए ये समझ में आना चाहिए, समझे? उसने जो कुछ कहा आप बुरा मत मानिएगा, वो नहीं आई है सरकार। इसमें बुरा मानने की क्या बात है मुनीम जी, वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसने ठीक ही कहा है, हम ही ना समझ। भैया क्या बात है, खेत में नहीं गए? जा रहा हूं भैया। ला 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 ला। भैया क्या है बहन, ये सब क्या है, आज कुछ विशेष है? ये सब तेरे लिए है बहन। अरे हाँ। ये सब मेरे लिए है क्यों भैया? अब तू शादी के लायक हो गई है, तेरी शादी करवाना मेरा फर्ज है, शास्त्रों के अनुसार ही करना पड़ेगा ना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे बेवकूफ, मेरा पहले हो चुका है तो अब क्यों कर रहा है? मुंह बंद कर, जा बैठ, बैठ उधर जाके। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरी बहन का कार्यक्रम चल रहा है, कोई गाना गाओ बहन। गाना मैं गाता हूँ। अच्छा मैं गाता हूँ। ठीक है गाओ। तू छुपी थी कहाँ, मैं तड़पता रहा, तू बता कब आएगी। ए, मैं कर्जे लेकर कार्यक्रम कर रहा हूँ, कोई अच्छा सा गाना गाओ। अच्छा गाना ठीक है मैं गाना सुनाता हूँ। नजर के सामने जिगर के पास। गाने को बोला तू उस दिल के पास बुला रहा है, तुझे गाने की जरूरत नहीं है, समझा? तू चुपचाप खड़ा रहा। कौन उसे बुला रहा है, उसके मामा के जिंदा होते हुए एक कार्यक्रम कौन कर रहा है? ऐसा वैसा कार्यक्रम नहीं चल रहा है, शास्त्र के अनुसार काम चल रहा है। पता है, तू चुपचाप खड़ा रहे। कोई भी हो तुम्हें इससे क्या? देख शुभ लक्ष्मी, जब तेरा जन्म हुआ तू ही मेरी बेटी है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा था। उस वक्त कुछ ना समझ लोगों ने यह फैसला किया था, समझे? आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है, मेरी बहन की खूबसूरती को कुछ भी लगाओ तो कम पड़ता है। ग्रेट लक्ष्मण भाई, मुंह बंद कर। देख लक्ष्मण, प्यार से मोहब्बत से साड़ी लेकर आया हूँ, इज्जत से पहनी तो ठीक है, नहीं तो उठवा कर पहनी हुई साड़ी भी उतरवा लूंगा। इस अन्याय को कोई रोकने वाला है नहीं क्या? अरे, उसे क्यों परेशान कर रहे हो, ये रिश्ता उसे पसंद नहीं लगता है, उसके मन में कोई और बसा है, पूछ कर देखते। कोई भी हो तुम्हें इससे क्या, लेकिन तुम नहीं हो ये समझ लो। तुम लोग क्यों बेकार में झगड़ रहे हो, ये साड़ी मैं ही पहना देता हूँ। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। ए, खारा, तू ये साड़ी क्यों पहना रहा है? ए,
मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। किसको? और पता है उसकी शक्ल तेरी बहन से मिलती है। अगर इसने उससे शादी की तो मुझे उस आदमी को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। इसलिए मैं इससे शादी करके ये शक्ल देखते हुए उस शक्ल को देख लूंगा। हाँ। और पढ़ाई होने से एक स्त्री पुरुष नहीं हो सकती। किसको सुना रहे हो ये सब? और किसे? तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीपा, तुम जाकर अपना काम देखो। बड़े खानदान की बहू होकर यहां आकर एक औरत को भूलकर एक पुरुष पर हाथ उठाया तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन सा बड़ा खानदान है? सबको गुलाम बना के रखने वाला घर है ये तो। ऐसा खानदान? क्या कहा? सत्य धर्म नीति संस्कार ये सभी अपनी जान समझकर चलाने वाले नरसिम्हा सरकार का वंश है ये। इस वंश के बारे में आज तक सभी बहुत इज्जत से बात करते हैं। पहले तो सुन, इज्जत देने के बाद ही इज्जत मिलती है, फिर तो वंश के बारे में बात करना। मुझे एडवाइस देने वाली तुम कौन हो? मेरी सास हो क्या? जैसे तुम इस घर में दिया जलाने आई हो वैसे ही मैं भी। जितनी आजादी तुम्हें है उतनी आजादी मुझे भी है। दिया जलाना बोले तो क्या समझी तू? तेल डालकर बत्ती रखकर काड़ी लगा दी तो क्या दिया जला दिया? आए हुए घर को दीप समझकर इज्जत की बत्ती डालकर मान मर्यादा के तेल से सम्मान की काड़ी जब लगाती है तो उसे दिया जलाना बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उदाहरण बहुत अच्छा दिया। चार अक्षर सीखे नहीं फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो? तो जिसने डबल डिग्री की हो उसे कितनी बातें करनी चाहिए? यू इलिटरेट फूल। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एन इलिटरेट पर्सन। For your kind information, I'm a graduate from the University of Mysore. But I have not forgotten my culture, custom, tradition, my values. Most of all, I'm proud to say that I belong to this great family. चार अक्षर इसीलिए सीखते हैं कि प्रपंच को समझ सके, घमंड से बर्ताव करने के लिए नहीं। पढ़े लिखों को धीरज होना चाहिए। तू बेलगाम बोलती है, बात बात पर करोड़पति की बेटी करोड़पति की बेटी बोलती है ना तू? मरने के बाद पहने हुए कपड़े उतार कर दूसरे पहना के दफनाते हैं, पहना हुआ कुछ नहीं दफनाते हैं। ऐसे जीवन में कितने भी करोड़ कमाए तो क्या फायदा? हाँ, जिंदगी में प्यार मोहब्बत से झुक कर चलना चाहिए। नो, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। नहीं, तू मत झुक। तेरा पति किसी के सामने सर झुकाए ऐसा काम मत कर। तूने उसे मारा ना? अगर उसने तुझे उल्टा मारा होता तो तेरी मान मर्यादा करोड़पति की बेटी बोलने का घमंड का क्या होता? क्या हुआ भाभी? शादी के इतने समय बाद भी खाना बनाना नहीं आता कह रही थी। ऐसे रहा तो कैसे चलेगा, इसलिए मैं उसे कब से समझा रही हूँ, बस इतने के लिए रो रही है। क्यों बेटा, मैं तेरी बीवी को कुछ बोल नहीं सकती क्या? किसने ऐसा कहा? भाभी तुमने उसे समझाया? मैंने सुना ही नहीं। दीपा को फिर बुलाता हूँ, मेरे सामने आप उसे अच्छी तरह से समझाइए, खूब रुलाइए, हाँ प्लीज मेरे लिए। दीपू, रोने का कार्यक्रम चल रहा है क्या? ठीक है, रो लो। नहीं।
एक मिनट रुको, खत्म करने दो। मैं यहाँ बैठ के रो रही हूँ और तुम बड़े मजे से खा रहे हो। अब रोने की कोई खास वजह थी तो मैं तुमसे कुछ पूछ भी लेता था। मतलब तुम्हारा मतलब है कि मैं अब बेवजह रो रही हूँ? अब ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, पर कुछ ऐसा ही है। छी, इस घर में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, इसलिए शादी के 3 दिन बाद कहा था हम दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे। मैं यहाँ पे चिल्लाए जा रही हूँ और तुम होके ब्रेड जम खा जा रहे हो। टिप के लिए चिल्लाए तो पंचांग देख सकते हैं, मेंढक चिल्लाए उसमें क्या देखने का? मतलब मैं मेंढक हूँ क्या? ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला मैंने, कुछ ऐसा ही। मेंढक चिल्लाए तो बिजली गड़गड़ाती है, बारिश होती है, समझे? बारिश हुई तो तुम भीगोगी, बारिश में भीगोगी तो बुखार आएगा, अगर बुखार आएगा तो डॉक्टर इंजेक्शन देगा। इंजेक्शन तुम लो और अपनी भाभी को भी दिलवाओ। तुम्हें पता है कैसी बातें की उन्होंने? मेरी भाभी जैसी औरत इस दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती, वो देवी है। कभी किसी का मन दुखाने जैसी बातें नहीं कर सकती मेरी भाभी। ऐसी औरत का मन अगर दुखाया तो वो कभी भी क्षमा के काबिल नहीं हो सकता। शादी क्यों हुई बीवी से? तुम्हारी भाभी बड़ी हो गई। इतना सब होने के बाद मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। हम सब कुछ छोड़कर जा रही हो क्या? फिर तो इसके मन को बहुत दुख पहुंचा होगा। ऐसा क्या गलत हुआ इस घर में? कुछ भी हो, घर की चार दीवारी में होने वाली बातों को चार लोगों के सामने लाना ये उचित नहीं है। धान डालो तो धान उगता है, बात बढ़ाएं तो बात बढ़ती है। पर ये तो सरकार के घर की बात, घर से बाहर जाए तो बदनामी होगी। समझा कर इसे अंदर ले जाओ। समझाने वालों को समझा सकते हैं, ऐसे लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग, बीवी बोल इसे क्या समझाया तूने? तुझे कुछ हुआ तो तेरी माँ को तकलीफ होगी, तेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे तकलीफ होने में फर्क है, क्योंकि खून का रिश्ता है। लेकिन कहीं पली कहीं बड़ी, तूने बेटी 3 गांठ के लिए सब कुछ छोड़कर सब कुछ वही बनकर तुम्हारे पास आ गई, सब कुछ तुम्हें ही देकर तुझे एक छोटी सी चोट भी पहुंचे उसका दिल तड़प उठता है, वही है। कंप्यूटर युग में भी मंगलसूत्र की मान्यता है, उससे जो बांधता है उसके लिए नहीं, जिससे वो बंधवाती है उसके लिए है, क्योंकि वो बंधन में होती है। औरत एक आग है, इससे चूल्हा भी जला सकते हैं, दीप भी जला सकते हैं, थोड़ी सी ऊंच नीच हुई तो जिंदगी ही जल जाती है। तो मुनीम जी, जाकर तिजोरी में से सारे घर के कागजात ले आओ। देखो, पति पत्नी के रिश्ते के लिए एक इंग्लिश कवि ने क्या कहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लाइक फिश एंड वाटर, वी शुड नॉट बी लाइक फिश एंड अ फिशरमैन। शायद मैंने बचपन में इसे सुना था, तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए कह रहा हूं। अगर इसके ग्रामर में गलती हो तो थोड़ा सुधार लो, मीनिंग ही गलत हो तो मुझे माफ कर। लक्ष्मी, लो बेटी, इस घर की जिम्मेदारियां पूरी तुम्हें सौंप रहा हूं। हमारे पूर्वजों के समय से हमारी तमाम जायदाद कहां कहां तक फैली है यह हमें भी पता नहीं। जितनी जायदाद हमारी नजर में है उतने के कागजात बनवाए, तुम जहां भी कहोगी हम तीनों भाई वहां साइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं हम तीनों को अलग मत करना। ब्रिटिशर्स के जमाने में हमारे पूर्वजों ने यह घर बनाया था, कहीं एक छोटी सी दरार भी नहीं है। कृपा करके तुम इसे गिराना मत।
छोटी रानी, आज मैंने दो आश्चर्य देखे, एक अपने भगवान की आंखों में आंसू, दूसरा उन्होंने अपनी जुबान से किसी से माफी मांगी, बहुत खुशी हुई। दीपू, छोटी रानी क्या हुआ? दीपू तुम्हें क्या हुआ? छोटी रानी को देखो, क्या हुआ बेटी? दीपा मुनीम जी, क्या हुआ है दीपा को? खुशी की बात है मालकिन, छोटी रानी माँ बनने वाली है। जैसा चांदी की गुड़िया जैसा इस राजघराने में, ओ इस राजघराने में। हाँ हाँ, आने वाला है कुमार, आने वाला है कुमार महारानी की गोद में, आने वाला है कुमार, आने वाला है कुमार महारानी की गोद में। मोती के रत्नों जैसा चांदी की गुड़िया जैसा इस राजघराने में, ओ इस राजघराने में। जैसे गुड़ लाए भाभी सी हंसी लाए, सबको लगे जो प्यारा ऐसा बेटा दे महारानी। प्यार हो करने वाला, दिल में हो बसने वाला, सबका बने दुलारा ऐसा बेटा दे महारानी। ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें, तुमने क्या जी समझा है इन्हें, अरे नाना ऐसे झगड़ा करो दिल बातें तुम समझा करो। मेरी बात सुनो, नाराज न हो तुम, चुप भी रहो तुम। आने वाला है कुमार, आने वाला है कुमार महारानी की गोद में, आने वाला है कुमार, आने वाला है कुमार महारानी की गोद में। मोती के रत्नों जैसा चांदी की गुड़िया, राजा के इस घर में, हाँ राजा के मंदिर में आएगा वो लेके
खुशियों की बहारें जीवन में। ये हक से कहते हैं जो भी ये बोले सुनते हैं, कहेगी वो करना होगा, जो पूछेगी वो बताना होगा। मेरे लिए तो इस जीवन में सब कुछ बस हो आप। सच्चा हमारा प्यार है तू, इस घर की है रोशनी तू, जो चाहे थे भाग्य से वो लाई तू खुशी, वो लाई तू खुशी। डैडी, सब लोग यहीं रुको, कोई अंदर नहीं आएगा। जी सर। डैडी। क्या बेटी, एक फोन भी नहीं कर सकती थी तुम मुझे? इतनी बार फोन किया, हर बार आपका फोन स्विच ऑफ आता। प्रणाम स्वीकार करें। अरे मंत्री जी, आप कब आए? बस अभी आया। आइए बैठिए। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आप मुझे जूतों से मारिए सरकार, लेकिन आप मुझे ऐसी सजा मत दीजिए मालिक। आपके सामने कभी बैठने की हिम्मत कर सकता हूं सरकार? नो, इंडिविजुअल नाम पर सैंक्शन करना मुश्किल है। आप एक ट्रस्ट फॉर्म करो, देखेंगे। राव मेडिकल सीट मिलना मुश्किल है, मैं ट्राई करके दिलाता हूँ। क्या है भाई तेरा? वही सर, दहेज प्रॉब्लम है। कांस्टेबल की बेटी को ही दहेज प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ शाम तक क्या होना चाहिए। नमस्कार साहब। हाजी साहब नमस्ते, क्या बात है? प्रमोशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये थैंक्स लेकर मैं क्या करूँगा? लोगों की अच्छी सेवा करो, वही सबसे बड़ा थैंक्स है। डैडी। क्या बात है बेटी? डैडी, आज हमारा कॉलेज डे है। मेरे सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि आपको चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट करें, प्लीज डैडी। देखो बेटी, ऑफिस में बहुत सारे दुखी लोग आए हैं, उनकी तकलीफ पूछनी जरूरी है ना। नेक्स्ट टाइम मैं आपके फंक्शन में जरूर आऊंगा। ओके, सॉरी बेटी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कैसे चल रहा है आपका कामकाज? आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है सरकार। हमारी कृपा क्यों बोलते हो? आपकी मेहनत भगवान की कृपा से? नहीं, उस भगवान को किसने देखा है सरकार? मेरे लिए तो आपके पिताजी भगवान के रूप में है सरकार। मैं और मेरी बेटी कई जन्म लेकर भी आपका एहसान नहीं चुका सकते सरकार। आज मेरे पास जो भी मान सम्मान और धन है वो भी आपकी दी हुई भिक्षा है सरकार। अपने पार्टी कार्यकर्ता की बेटी की शादी में जा रहा था, रास्ते में आपसे मिलता हुआ जाऊंगा यही सोचकर। शादी के बाद बेटी कैसी है ये जानने के लिए एक बार भी तुम मेरे घर नहीं आए? हाँ, बेटी से मिलने आए हो ना? कसम से नहीं सरकार। बेटी कैसी है ये जानने के लिए नहीं, मैंने उसे किसी साधारण खानदान में नहीं दिया है सरकार। हजारों गांव की देखभाल करने वाले सरकार के खानदान में दी है। यहां आकर बेटी कैसी है ये पूछूं तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा सरकार। अब मैं चलता हूं सरकार। बेटी, अब मैं चलता हूं। मैं करोड़पति रामलाल जी की इकलौती बेटी हूं। चुटकी बजाते मेरे सामने 100 लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे सिर्फ पानी देने के लिए इतने लोग खड़े रहते हैं। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ या आपका छोटा भाई जो आपने बुलाया और आपके सामने हाथ बांध के खड़ी रहूंगी? बड़े हुए तो क्या हुआ, किससे किस तरह बात करनी चाहिए ये समझ में आना चाहिए, समझे? मुझे माफ कर दीजिए भैया।
मुझे माफ कर दो प्लीज। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आपको बगैर समझे मैंने बहुत कुछ कह दिया। दीपा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? गर्भवती ने आंसू नहीं बहाने चाहिए, मत रो। आप सब लोग कितने अच्छे हैं, मैं ही बहुत कुछ। कुछ भी नहीं कहा, तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। देखो, तू भी मेरी बेटी है ना? भैया भैया, टीचर मैडम को चक्कर आ गया, वो घर में गिर गई है। टीचर, टीचर, खानदान में किसी ने लड़की पर हाथ उठाया नहीं है, उठाया तो मर जाते हैं। खानदान पीढ़ियों से औरतों की इज्जत करता है, समझी क्या? उनके बारे में बात करिए तू। ये इधर से निकलती कि नहीं निकलती, नहीं तो झाड़ू से मार मार के इस गांव से बाहर निकाल देंगे। सुनो, टीचर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अरे इसको क्या हुआ, इसने फांसी लगा ली? अरे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हाँ भैया, इसका कोई भी नहीं है, चलो इसको दफना देते हैं। हाँ। ऐसी लाश को दफना देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। टीचर मैडम, तुम्हारे भाई की रखेले बताया था तो आपने मुझे ही मारा था। गांव वालों के सामने छोटे सरकार ने इज्जत लूटी बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। अब उसने फांसी लगा ली, जलाने की और दफनाने की सभी गाँव वाले बात कर रहे हैं। सच्चाई को कभी चलाया या दफनाया गया ऐसा आपके खानदान में कभी हुआ नहीं है। आप ऐसे चुपचाप खड़े रहेंगे तो क्या होगा? आप कुछ तो बोलिए, नहीं तो लोग कुछ भी बोलेंगे। इसमें कहने के लिए क्या है? गली पंचायत है। कभी उसे भाई समझकर नहीं पाला, बेटा समझकर पाला है। उसने ये गलती की है या नहीं, इसके बारे में आपको ही पता है। भैया, आप जो फैसला करने जा रहे हैं, मेरी जान से ज्यादा मेरे पति के लिए नहीं। आपका खून का रिश्ता है अपने भाई से, वो अच्छे हैं या बुरे हैं मुझसे ज्यादा आपको पता है। भाई हो या बेटा हो, माँ हो या बेटी हो, न्याय सबके लिए एक ही है। आ!
जमीन हमें लौटा दीजिए। चलो उठो, हमें पागल समझा है क्या? तुम्हारे पति को हमने पूरे पैसे दिए हैं, तब ये जमीन खरीदी है। कागज देखोगी? देखो ये कागज। उन्होंने नशे में दस्तखत किए हैं। आपका पैसा मैं लौटा दूंगी, हमारी जमीन हमें वापस कर दो मालिक। एक लगाऊंगा तुझे, निकल यहाँ से। ये जमीन हमारी है, वापस नहीं करेंगे। मेरे पास पैसा है तो दूसरी जमीन खरीद ले। ए भाई, तुमने जमीन खरीदी है, हमारी सरकार को पता है क्या? सरकार? कौन है वो सरकार? सरकारों का सरकार। आपने धोखे से ऐसे जमीन खरीदी है, उन्हें पता चला तो आपको गाड़ देंगे। मर्द है तो उसे मेरे सामने आने को बोलो। हमारे गांव की जमीन क्यों खरीद रहा है तू? चमड़े की फैक्ट्री बनवाकर 100 लोगों को काम देने के लिए। हमारे गांव के लोगों को काम देने वाला कौन होता है तू? यहाँ पर क्या कोई भूखा है? क्या तुझसे काम मांगने आ रहा है? उसके सारे बेटे उसे छोड़कर चले गए, लेकिन इस धरती माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इसकी दुआ से एक वक्त का खाना तो नसीब होता है उसे, ये भी तूने छीन लिया तो पेट भरने के लिए क्या तेरी फैक्ट्री का चमड़ा खाएगी वो? हमने उसे मुफ्त में नहीं लिया, काफी पैसे देकर खरीदा है। बेवकूफ आदमी, करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ लेकर चलने वाला खानदान है ये, मेरे ही सामने पैसों की बात करता है। कितने पैसे दिए हैं तुझे? सरकार जमीन खरीदने वाले मंत्री है, अगर उन्हें पता चला तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर तेरे मंत्री में हिम्मत है तो इस शेर की गुफा से एक काड़ी भी ले जाकर दिखाने बोल उसे, दिखाने बोल उसे। क्यों रोक दिया? ट्रैफिक जाम है क्या? नहीं सर, हमारी गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। कौन है जो पंचर करेगा? नहीं सर, गांव में हमें एंट्री नहीं है, उसका उल्लंघन किया तो हम पंचर हो जाएंगे। चलो गाड़ी का पंचर ठीक करो, मंत्री होकर मैं कह रहा हूँ, चलो गांव के अंदर चलो। सॉरी सर, हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो क्या मेरा आदेश तोड़ोगे तुम? आपने मुझे सस्पेंड किया तो भी आपके साथ मैं नहीं आऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, खाकी वर्दी वाला कोई भी नहीं आएगा। मंदिर में कोई जूता पहनकर जाते हैं क्या सर? हमारे देश में सत्य धर्म न्याय सब खत्म हो गया है, लेकिन सिर्फ इस गांव में जिंदा है, इसीलिए हम यहां पर पैर रखकर गंदा नहीं करेंगे सर। शट अप ड्राइवर, कार निकालो। पिताजी, मंत्री जी आ रहे हैं। जितनी भी सामने कुर्सियां निकलवा दे बेटा। क्या है ये? हम जैसे लोग यहाँ आए हैं तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है यहाँ। थी सर, पर सब अंदर लेके गए। सुनो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है क्या इस घर में? ओहो, मंत्री जी यही खड़े रहिए। क्या तुम किसके घर पे आए हो? कितना बड़ा आदमी है ये समझ कर तो आना चाहिए था, चुपचाप खड़े रहो।
क्या साहब, पहले आप प्राइम मिनिस्टर के घर भी जाते हैं तो पहले बैठने के लिए कहते हैं, फिर बातें होती है, और आप इस आदमी के घर आकर एक भिखारी की तरह बाहर खड़े हो। चलिए यहां से। नो, आई हैव टू सी दैट पर्सन। मंत्री जी को बाहर खड़ा करके, हमारी खरीदी हुई जमीन पर फैक्ट्री बनाने का आदेश नहीं है, आपने कहा है। तुम्हें फैक्ट्री बनाने के लिए फसल देने वाली जमीन ही चाहिए क्या? कोई और जगह नहीं हो सकती है क्या? तू जो देखता है वो है पका हुआ सफेद चावल। कभी धान देखा है क्या? चावल के पीछे एक किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसका अंदाजा है तुम्हें? ए मंत्री, तेरी औकात ही क्या है? आम किसान कितनी तकलीफें झेल रहा है पता भी है तुझे? उसके अनाज को सही कीमत नहीं मिल रही है, अपना लिया हुआ कर्जा वो भी लौटा नहीं पा रहा है, कई जगह बारिश नहीं हुई है, भूख से वो आत्महत्या कर रहा है। तो क्या आप फैक्ट्री नहीं बनाने देंगे क्या? नहीं दूंगा। क्या आप नहीं जानते हमारी मंत्री की पहुंच कहां तक है? ड्राइवर, सोफी सोफी सोफी, गो गो गो। देखा ना, इन कुत्ते जैसे शेर को हमने बिल्ली की तरह पाला है। आप तो अब इनकी पावर समझ गए होंगे ना दोस्त। Go back. After all, तुम घर के दरवाजे पर आए मंत्री को खड़ा रखकर अपमान कर रहे हो तुम। Hey, तू मंत्री है तो मैं राजा हूँ। हाँ राजा, हमसे है तू, तुझसे हम नहीं। तेरी कुर्सी कब कैसे गिर जाएगी तुझे खुद पता नहीं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। मरते दम तक रहते हैं राजा। अगर हम चाहें तो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। अगर तू चाहे भी तो एक राजा को तू एक आम आदमी बना के दिखा सकता है। क्या, किसी को भी मंत्री बना सकता है? तो क्या तेरे तबेले का गोबर उठाने का काम है ये? ताकत है तो करके दिखा, हम भी देखेंगे। सरकार। बेटा। पिताजी। इसे ले जा करके इस इलेक्शन में खड़ा कर दे, गाँव के लोगों को बता दे इसे मंत्री बनाना है। हमने कहा है, बोल, ये मंत्री बनेगा। क्या कह रहे हो? मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया उसे शादी करनी पड़ेगी? इतना बड़ा हो गया हो? हाँ साले साहब, वो सब कहने की बात है, लड़की बहुत सुंदर है, जैसे हमारे खानदान के लिए ही बनाई गई हो। कौन से गांव की है वो? वही सीतापुर गांव की, राम सिंह जी की बेटी है। ओहो, तो तू देखकर भी आया है, बहुत पहुंचा हुआ है तू। कौन है ये हमारे गांव में कार में आया है? क्या है ये? सरकार। अरे अरे, हाँ स्वीकार कीजिए। मंत्री हो भी गया क्या तू? भिक्षा आपने ही तो दी थी। देखा जीजा, ये सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। देखा साले साहब, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार, बचपन में एक भिखारी की कहानी सुनी थी, लेकिन ये सब मेरी जिंदगी में होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था सरकार। हाँ ठीक है जाओ, तुझे जिन लोगों ने वोट दिया है उनका भला कर तो मेरा भी नाम रोशन होगा। वो चंपकलाल जैसे मत करना। अरे अरे, कभी नहीं सरकार। अगर किसी से भी रिश्वत रिश्वत लेने की कोशिश की तो वही फटे कपड़े और टूटा मटका, याद रखना। ये क्या बेटा, लड़कियों की तरह शर्मा रहा है?
गिरिजा, कैसी है मेरी बहू? पसंद है ना? पसंद है मतलब? घर की सजावट के लिए रखना है क्या उसे? तुम चुप रहो, मैं उसका थोड़ा टेस्ट लेना चाहती हूँ। क्या करोगी? टेस्ट रे, समझ नहीं आया? वो इंग्लिश है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम चुप रहो। बेटी, सुनाई देता है ना? बेटी, वहाँ से आकर वापस चली जा। बेटी, थोड़ा हंसकर दिखा। अरे, थोड़ा मुंह खोल के हंस नहीं सकती क्या? छोड़ो बहन, क्यों उस बच्ची को परेशान कर रही हो? तुम चुप रहो, तुम क्या समझोगे? अगर उसके दांत टेढ़े मेढ़े हुए, ओंठ के बाहर हुए, तो हमारे बेटे को तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ? कैसी तकलीफ? अरे वही तो, तुम नहीं समझोगे। अरे बेटी, तेरी नाक अंदर चली गई है क्या? अरे बचपन में ये खेल रही थी तो रेलवे पटरी पर गिर पड़ी। इसकी नाक रेलवे पटरी में अटक गई। बहुत खींचा, सिर्फ इतनी ही बची है अब। अच्छा बेटी, कुछ गाना वाना गा तो। क्या बेटी, ये तन्ना तन्ना करके खींच रही है, इससे तो नींद आ रही है। तू कोई अच्छी सी कविता ही सुना दे हम लोगों को। हे भगवान, मुझे कविता बनाने नहीं आती। नहीं आती? मैं समझाता हूँ। बनारस की सुपारी है ये, लखनऊ का पान है ये, दोनों को मिलाकर कविता बनाकर गाना गाने का ना। हे भगवान, सुनिए, मुझे घर में कुछ काम है, अभी याद आया। जब ये सुपारी पान मैसूर का दोनों मिल जाए, लड़का लड़की दोनों ही की जीभ लाल हो जाए। हाँ, ऐसे ही। हाँ, गाओ।
भाजी है ये भाजी, देख ले चख के तू जरा से। न करना जब ये सुपारी पान मजदूर का दोनों मिल जाए, लड़का लड़की दोनों ही की जीभ लाल हो जाए। मजदूर का दोनों मिल जाए, लड़का लड़की हाँ। दोनों ही की हाँ। लाल जी हो जाए, लाल जी हो जाए, लाल जी हो जाए। क्यों रो रही है, रोने से क्या फायदा तुझे? छोड़ो मुझे, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, सुनते हो आज? छोड़ो मुझे, छोड़ो जी, सबके घर पे ठीक तरह से पहुंचा रहे हो ना? आपके राज में किसको क्या कमी है सरकार? घर घर में भगवान की फोटो के बदले आपकी फोटो रखी हुई है। इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए, वो कहां हम कहां, वो अकेला एक ही है। हाँ। भैया। क्या बहन, अकेली आई हो? तुम्हारा पति नहीं आया? वो आपके सामने कैसे आ सकते हैं? या बहना, खाना खाओगी क्या? मैं खाना खाकर आई हूँ भैया। फिर क्या चाहिए बहन? बेटा, तेरी दादी के दो पेटी जेवर लाकर तेरी बुआ को दे दे। भैया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। घर के पीछे वाली वो 200 एकड़ जमीन है ना, उसके कागजात ला कर दो। भैया, मेरे बेटे ने बगैर समझे गलती कर दी है। तो हमारे तबेले से 500 गाय भी ले जा। कल पंचायत है। अगर इसे पैसा चाहिए तो 2 गोनी भर के इसके घर भिजवा दो। फैसला? गिर जा बहन। अगर फैसले की बात है तो मेरे लिए सारे रिश्ते नाते बेटी, तू स्वयं महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी। बेटा, तू कभी बाहर जाएगा ना, तू जरूर इसके हाथ का पानी पी कर ही जाना, तेरा काम बन जाएगा। चलो मैं। बेटी, मैं जाकर आता हूँ। आप जाकर आइए ससुर जी, बच्चों की देखभाल मैं कर लूंगी। मैं देवर को देख लेने के बजाय बच्चों को देख लेती हूँ, बोली तुम। इतना ही काफी है। यहाँ पर तेरी बहन का पति इंतजार कर रहा है और तू ऐसे ही जा रहा है। आओ अंदर आकर कुछ खाकर जाओ। ए जीजा,
जब एक इंसान दूसरे इंसान को खाने पर बुलाता है तो उसके दिल में प्यार होना चाहिए, आने वाले को भूख होनी चाहिए। तू प्यार से बुला नहीं रहा है और वैसे मुझे भूख भी नहीं है। साले, हमारा नायकों का खानदान है, हमारी परंपरा रही है कि हम सर उठाकर जीते आए हैं। सर झुकाने जैसा मत करना, फैसला हमारी ओर होना चाहिए। नायक के घर पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके दिए हुए खाने से हम गरीब लोग अपना पेट भरते हैं मालिक। उनकी परछाई भी छूने की हमारी औकात नहीं है। इतना फासला होने के बावजूद इनके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी मालिक, उसकी इज्जत लूट ली। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैं हूँ सरकार। तेरा लड़की से क्या रिश्ता है? चाचा हूँ सरकार। तेरी गवाही नहीं चलेगी। मैंने देखा है सरकार। तेरा क्या रिश्ता है? मैं उसकी मौसी हूँ। रिश्तेदारों की गवाही पंचायत में नहीं चलती, पता है नहीं तुम्हें? सरकार, मैंने देखा है। क्या देखा बेटा? वो मामा उस दीदी को अपने कंधे पे उठाकर झाड़ियों के पीछे ले जा रहा था। गरीब लोगों को तुमने फालतू समझ रखा है क्या? हमारे पास काम करने वाले लोगों को पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए बिस्तर हम ही देते हैं। उस बिस्तर पर हम सोए कौन सा न्याय है? कौन है उधर? भगवान के मंदिर में रखा हुआ मंगलसूत्र लेकर आओ। साले साहब, फैसला बदल कर क्या ऐसे देख रहा है? मेरे बेटे से रिश्ता जोड़ने के लिए नायकों का वंश सोना लेकर इंतजार कर रहा है। क्या मेरे बेटे ने उसे छू लिया तो उसको उसी से मंगलसूत्र बंधवा रहा है? इस उम्र में ऐसी गलती किसी ने नहीं की, ऐसा नहीं है। इसके लिए इस नीच जात की लड़की को मेरी बहू बनाने के लिए कहता है तू? कहाँ है जात? कौन सी जात? एक इंसान के पैदा होने के 12 दिन बाद पता चलता है उसका नाम, उसकी जात। वो भी कोई और कहे तो। मरने के बाद इस नाम से कोई पुकारे तो भी शरीर नहीं उठता है, जात कहे तो भी शरीर नहीं उठता है। तुम्हारी ये जात पात की बातें किस काम की है? व्यक्ति से जात नहीं होती, वृत्ति से जात होती है। एक इंसान में 4 प्रकार की जात होती है। जो अच्छा बोलता है वो ब्राह्मण होता है, अच्छाई के बारे में सोचने वाला वैश्य है, अच्छे काम के लिए शरीर का इस्तेमाल करने वाला क्षत्रिय है, इन सबको लेकर चलने वाला शूद्र है। शूद्र बोले तो कौन? बेबस लोगों को हमदर्दी दिखाने वाला, हम सबको खाना खिलाने वाला कौन है? इसलिए सभी पहले पैर को नमस्कार करते हैं। पहले इंसान को इंसान बनकर जीना चाहिए। वो छोड़कर किसी भी जात के नाम पर जिएगा तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी जात को हमने माना नहीं, ना ही मानेंगे। नरसिम्हा! ए, बांध रहे मंगलसूत्र।
कोई भी उसे नहीं मारेगा। उसके कर्म वो ही भोगेगा। उसकी इस गलती के लिए उसे और उसके परिवार को 18 साल के लिए इस गांव से बाहर करता हूं। उसे उसके परिवार को कोई इनको दाना पानी नहीं देगा, कोई इनसे बात नहीं करेगा। ये सरकारों के सरकार नरसिम्हा का दिया फैसला है। आज से इस सरकार के बदले तू ही सरकार है। न्याय करते वक्त रिश्ते मत देखना, रिश्ते मत देखना। सच्चाई धर्म पहले है, इनकी रक्षा करना। तेरा दिया हुआ फैसला 4 लोगों को अच्छा लगने से ज्यादा हमारे भगवान को अच्छा लगना चाहिए। न्याय करते वक्त रिश्ते मत देखना, रिश्ते मत देखना। सच्चाई धर्म पहले है। सरकार कैसे हैं? ये पूरा गांव जानता है, ठीक से छानबीन करके देखिए सरकार। उसने खुद गांव वालों के सामने कहा है, वो अपने मौत का कारण लिखकर मरी है, और कौन सी गवाही चाहिए? टीचर की मौत का कारण अर्जुन ही है, ऐसा सभी तरह से साबित हो चुका है। अर्जुन को 10 साल के लिए गांव से बाहर रखता हूं। उसे कोई दाना पानी नहीं देगा, कोई इससे बात तक नहीं करेगा। अगर उस टीचर का पति या बच्चे हैं, तो अर्जुन की जायदाद में से उन्हें आधा हिस्सा मिलेगा। ये इस सरकार का फैसला है।
लक्ष्मी, वो लोग जा रहे हैं, खाली हाथ क्यों भेज रही हो? कुछ देकर भेजो, कुछ भी। हम घर से बाहर जा रहे हैं, दिल से नहीं। बेटा, अब तो तू अच्छी बुद्धि और चरित्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर। हे बुढ़िया, आज मैं इस मंदिर में प्रार्थना करने नहीं आया हूँ, 18 साल बाद मैं इस गांव में आया हूँ उसको समझाने के लिए। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे गलत मत समझना, आप बहुत अच्छे हैं। वो गलती मैंने नहीं की, ऐसी एक भी बात आपने अपने भाई से नहीं कही। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, मैंने कभी भी उनसे बगैर पूछे कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कहा वही किया। उस दिन राम जी वनवास जाते समय मुझे क्यों जाना ऐसा एक बार भी पूछे होते तो आज रामायण ही नहीं बनी होती। पिताजी की एक बात पर वो जंगल में चले गए और वनवास पूरा किया, इसीलिए अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने भी घर छोड़ दिया। हमने उन्हें भैया भाभी नहीं समझा, हमेशा माँ बाप की तरह माना है, और हमें भी वो हमारे माँ बाप ना होते हुए भी माँ बाप जैसा प्यार दिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सच है। क्या फैसला किया कुछ बताओगी भी मुझे? ससुर जी ने प्यार से पाले हुए बच्चों को हमें सौंप कर गए थे, हमें उन्हें उतने ही प्यार और दुलार से पालना होगा। उनके पिताजी अब नहीं रहे, महसूस नहीं होने देना चाहिए। अगर हमें बच्चा होता तो हम उनकी देखभाल वैसे ही नहीं कर सकते थे। हमारे बच्चे समझकर हमें इन्हें पालना होगा। हमें बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। लक्ष्मी, जब पिताजी आखिरी फैसला सुनाने गए थे तुमने बच्चों की देखभाल करती हूँ ऐसा कहा था, लेकिन वह ऐसा ही नहीं कहा था, अपने मन की गहराई से कहा था, आज समझा है मुझे। ठीक है लक्ष्मी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे मैं क्यों दीदी, आप ही बांधो, आपको ही बच्चे नहीं है ना? तू मेरी बेटी है ना? दीपा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? आपकी भाभी कितनी महान है, मैं उनके साथ रह के भी उनको बिल्कुल समझ नहीं पाई, उनके गुण भी नहीं पहचान पाई। मैंने उन्हें बहुत ही दुख दिए। शांत हो जाओ। गांव की सभी लड़कियां आई हैं। तुम्हारा नाम बताओ। अनुसूचा। इसके नाम की चिट्ठी लिखी सर। अरे अरे, ये क्या है, गांव की सभी? तुम्हारा क्या नाम है? अरे बहन तुम, ये क्या है भैया? ये शुभ लक्ष्मी बम्पर लॉटरी है, तू भी एक चिट्ठी निकाल। ऐसा है भैया क्यों? ऐसा है बहन, इस गांव में बारिश हुए 3 साल हो गए, इसलिए कुवारी लड़की कपड़े उतार कर नदी में नहाकर पैदल चलकर मंदिर में जाकर पूजा किया तो बारिश होगी, ऐसा पंडित कहते हैं, इसलिए इन कुवारी लड़कियों को बुलाकर इनके नाम की चिट्ठियां लिख रहा हूँ। अरे गाँव वाले मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, निकालो निकालो। तू भी एक चिट्ठी निकाल बहन। नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, तू निकाल।
शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी, किधर चले? नहीं नहीं, चल खोल साड़ी। नहीं, मेरे पास मत आना। हाँ, खोलेगी या? ऐसा मत कर, मुंह बंद कर। हम बचपन में नंगे नहीं घूमते थे क्या? अब गांव में दो राउंड मार करा। साइकिल चाहे तो दो राउंड, तारू दो राउंड पी सकते हैं, नंगे राउंड मार सकते हैं क्या? सफेद तोतली। सफेद तोतली क्या? तू बातों से नहीं मानेगी। गोबर की लारी आने वाली थी, तीन दिन से आई नहीं। शक्कर के कारखाने से गन्ने के पैसे लाने वाला कोई नहीं है। 12 नए ट्रैक्टर आए हैं अब। क्यों इतना काम बाकी है अर्जुन? अरे कहाँ गया वो अर्जुन? ये सब काम विश्वा को दिखा दो और आप भी थोड़ा देखो। ऐसा पूछा था ना, लो भगवान तुम्हें सुखी रखे। आइए खाना खाते हैं। भैया हर रात ठीक 10 बजे खाना खाते हैं, अभी 9:30 बजे हैं। मैं कुछ देर बाद खाना खा लूंगा। सुनिए जी, खाना खाने चलिए। मुझे भूख नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो जी? भाइयों ने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आपको भूख नहीं है। डैडी, वो सरकार के फैसले के बारे में बात करने की औकात किसी को भी नहीं है। उनका जो भी फैसला हो जाता है ठीक होता है, लेकिन लोग मुझे ताने मारते हैं कि करोड़ों में रहकर भी तुम्हारी बेटी अनाथ जैसी हो गई है। बगैर दिल के सरकार ने भाई और भाई की बीवी को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया है। इस तरह की बात लोग मेरे ही सामने करते हैं बेटी। सॉरी डैडी, खाली हाथ भेजा है? ऐसा किसने कहा आपसे? जिनकी कोई कीमत ही नहीं ऐसी जायदाद मेरे पति हैं, उन्हें ही देकर भेजा है मुझे, फिर क्या? उनके बड़े भाई ने दिया हुआ फैसला इस गांव के लिए ही नहीं,
आपके लिए भी है डैडी। अगर सच में आप उनकी इज्जत करते हैं तो सजा का वक्त खत्म होने तक इस घर की तरफ मत आइएगा। I'm sorry बेटा, मैं मेरी बेटी समझकर आ गया। सरकार के घर की बहू हो ये भूल गया था। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चलता हूँ, चलता हूँ। मैके की अमीरी को क्यों ठुकरा दिया? सब तेरे लिए सारी ये सौगातें लाया तेरे लिए। तेरी तमन्नाएं पूरी करूंगा तारी, होना उदास कभी ना, अपनी है खुशियां सारी। आ खुशी खुशी मेरे संग तू जी ले, आ खाली खाली दुनिया में रंग भर ले। है अपनी दुनिया ये हमारी है खुशियां, तेरी खातिर ये जीवन बस मैं जीऊं। ओ सजना, we'll be right back.
सजनी ओ सजनी तुमसे बढ़ के कुछ भी ना। ओ सजनी तुमसे बढ़ के कुछ भी ना। ओ सजनी सुन ले, तेरी खुशी में ही मैं खुश रहूं हमेशा, ये सपना तू बुन ले। तू मुझसे जो चाहे मैं करूं हमेशा। बड़े भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। ऐसे वक्त पर ऐसा नहीं करना चाहिए जी। लक्ष्मी इतना काफी है भैया, इतना काफी है। एक सुहागन को जो मिलना था सब मिल गया, काफी है। बंद करो जी। मत रो बेना, मत रो बेना, मत रो बेना। कौन से गधे ने कहा तुझसे शादी करवाने के लिए? हाँ क्यों बहन, क्या हुआ? ऐसी शादी करवाएगा तो प्रलय आ जाएगा, समझा? शुभ लक्ष्मी मुहूर्त चला जाएगा, आजा। गधे के बच्चे, ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है? मेरी अभी तक सुहागरात भी नहीं हुई, ये तो अभी से उल्टियां कर रही है। ए, किसका किया कराया और ऐसे ही पनौती को मेरे सर पर डाल रहा है तू? हाँ मैं तेरे पीछे पड़ी थी क्या? अभी एक लगाओ क्या? शांत हो जा, शांत हो जा। शुभ, तुम्हारी उल्टी का कारण कौन है? कारण तो तू ही है उसके लिए साले। बहन इतने प्यार से मैंने तुझे पाला, इतने लोगों के सामने तुमने मेरी मिट्टी में इज्जत मिला दी। मुझे ये तू है? मैं हूँ, मैं शुभ लक्ष्मी नहीं हूँ, शुभ लड़का हूँ। पता चलने के बाद भी रो रहा है, सच बात क्या है बोलूं? क्या है बोल। मेरा 4 साल का भाई था, कुंभ के मेले में गुम हो गया था, कहीं वो तू ही तो नहीं? बेवकूफ कहीं के, तेरे खानदान में कितने लोग खो गए हैं रे? लड़की देखी तो भी नहीं छोड़ते, लड़का देखा तो भी नहीं छोड़ते। यही है मेरा भाई, नाक आंख सब वैसा ही है। वन मोर उल्टी, ये सब क्या है? शादी नहीं हुई है उससे पहले उल्टी करवा दी तूने? है बहन, तेरी उल्टी का कारण कौन है? ए छोरी, इतनी स्पीड है क्या? छोटे भाई कंफर्म कर लिया क्या? हाँ भाई, बहन की शादी तो नहीं करा सका, भाई की शादी तो करा लूं। लाओ ये लो, ये नहीं हार, हार लाओ। ये भी लो, हाँ। ये भी लो, हाँ। ये लो, ये लो, टोपी पहनो, हार पहनो, तुम ही पहनो। ए बाजे वाले, बाजे बाजा, फूल फेंको, फूल फेंको। इतने जो तू मेरे साथ रहा, मैं तेरे सर को देखा ही नहीं। क्यों भाई, तेरे सर के भौरे को देखकर मेरा खोया हुआ बाप याद आ गया है। तेरी तो, अरे ये तो पागल है, थोड़ी देर और यहाँ रहे, कोई भी बीबी याद आ जाएगी। भागो यहाँ से, रुक, भागो, रुक, पकड़ो, रुक जा,
मुझे तुझसे पूछना है, तू गांव भर में उसे क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि वो सिगरेट का पैकेट चोरी करके भाग कर आया है, इसीलिए मैं इस चोर की औलाद को ढूंढ रहा था। हाँ। वो छोटी सी सिगरेट के पैसे तू ही दे देता तो ये तकलीफ नहीं रहती थी ना? कंप्लेन किया तो चोर को पकड़ना ही इस पुलिस का कर्तव्य है। हाँ। वीणा, वीणा, अब मेरा क्या होगा? अब तेरा यही होगा। अरे यहाँ पानी छोड़ा वहाँ छोड़ा ही नहीं। ए! सब के सब कहाँ चले गए? सिगरेट फूकने गए होंगे और कहाँ? मैंने तो मिट्टी का ढेर समझा। एक मिनट रुको, हाँ क्या करूं? एक मिनट, इससे तो काम नहीं चलेगा। रो मत, अगर किसी ने देख लिया तो लोग समझेंगे मैंने कुछ किया है। रो मत। ऐसी हालत में मैं कैसे जाऊं? अब क्या करूं? हाँ, अगर मुझे गलत ना समझो तो मेरे कपड़े उतार कर दे देता हूँ, पहन लो। अभी भी पूछ ही रहे हो, उतार के दो। दोनों में इतना प्यार है, क्या सचमुच में हमारी शादी होगी? डरती क्यों हो, हमारी शादी जरूर होगी। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए आप, बता नहीं, नहीं पापा, क्या कर रही थी वहां पे? हां उसके साथ क्या कर रही थी बता? तू बता, आज आज तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे क्या हो गया है? क्यों बच्चे को जानवर की तरह पीट रहा है? ये बच्ची है क्या जो उसके साथ रंगरलिया मनाने गई थी? अरे तू चुप कर, उसमें क्या गलती है? अगर वो प्यार करके रिश्ता बनाना चाहती है तो उस रिश्ते में क्या गलती है बता? ए बुढ़िया, तरफदारी की तो मार दूंगा। हमें देखकर डर से सर झुकाकर जाने वाले लोग आज मेरे सामने सर उठाकर चलते हैं। इस सब का जिम्मेदार वो खानदान है, उस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना भी एक गुनाह है। मामा, मेरे पिताजी मेरी नापसंद लड़के से शादी करवा रहे हैं। मेरी रक्षा करो मामा, प्लीज मामा। माँ बाप की बात न मानने की पहली गलती, इस वक्त घर छोड़कर आई हो यहाँ, दूसरी गलती। तुम जाओ यहाँ से। मामा
तुम्हें गांव के बाहर रखा है, समझे? मुझे गांव से बाहर रखा है ये सही है, लेकिन हमारे गांव की लड़कियों को परेशान करेंगे और मैं चुप रहूंगा ये नहीं कहा। देख, मैं ही नहीं, इस गांव में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तेरे पास एक ही रास्ता है। ए सरकार! तू गांव वालों के लिए बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तू दुश्मन है। सबके लिए न्याय करता है ना, लेकिन तू ऐसा भी कर सकता है क्या? मेरे भाई को इज्जत नहीं है, तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं है। तुझमें इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी को घर में लाके रखा है? भेज उसे बाहर। जवान काट के फेंक दूंगा। इसकी बेटी किसका घर? सुनिए जी, मेरी बात सुनिए जी। उसके बाप से डरकर आधी रात को घर पर आई है। अगर बाहर भेजा तो उसने कहा मैं मर जाना पसंद करूंगी। आप सो गए थे, आपका खून का रिश्ता है समझकर मैंने इसे घर पर रख लिया। मुझसे अगर गलती हुई तो मुझे आप क्षमा कीजिए। यह सरकार है? तुम्हारा रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए तो इतने साल में गांव के बाहर रह रहा था। कौन सा रिश्ता? खून का रिश्ता सब फालतू है। इतने साल नहीं थे आप चाहिए। 18 साल, 18 साल मुश्किल से पाला हूँ मेरी बेटी को, इसीलिए तो उसे तुमने समझा बुझाकर अंदर रख लिया है। अब सब लोग मिलकर नाटक रचा रहे हो। तू भेजेगा या मैं आकर ले जाऊं? मामा, मामा मुझे मत भेजो, मामा मुझे मत भेजो, मामा मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। खड़ी हो जाओ। लड़कियों के लिए अपना मायका ही एक लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। माँ बाप ही उस रेखा से आगे भेजते हैं। तब तक तुम्हें खुद उस रेखा को पार नहीं करना चाहिए। जाओ अपने घर। चल चल आजा, चल बैठ। मामा मुझे पसंद नहीं, उस लड़के से मेरी शादी करवा रहे, मुझे बचाओ मामा, मुझे बचाओ। क्या बोली? ए, तुम आदमी हो या राक्षस? जवान बेटी पर हाथ उठाते हो? ये मेरी बेटी। ए, क्या ये शादी तुझसे जबरदस्ती करवाई जा रही है? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नीचे कर, नहीं तो काट दूंगा। hey, अगर एक बार और तूने अगर उस लड़की पे चिल्लाया तो मैं क्या करूंगा तू जानता है। हमारे गांव की संक्रांत समाप्त होने तक इन दोनों की शादी कर दो, यही सरकार का फैसला है। देख माधव, तू मेरे चाचा का बेटा है इसलिए बोल रहा हूं। तू उसके विरुद्ध जाकर उसका कुछ नहीं कर पाएगा।
जब एक बार फैसला हो गया है सोच समझ कर अपनी बेटी की शादी करवा दे, इसी में तेरी भलाई है। ए, वो कौन है, कौन है वो फैसला सुनाने वाला? जो मैं फैसला देता हूँ वही फैसला होता है, वही मैं जो फैसला लेता हूँ मुझे पहले से पता होता है। उस खानदान का सर्वनाश करने के लिए एक फालतू लड़की को मैंने ही टीचर बनाकर इस गांव में भेजा, मैंने ही भेजा था, समझ गए? लेकिन वो बेचारी अर्जुन को फंसा नहीं पाई, ऐसा खानदान मैंने देखा नहीं, तरफदारी करने लगी, बाकी का काम मैंने किया। हाँ मैं कितना भी कहूँ इस गांव के लोग मानते ही नहीं, उल्टा मारने को आते हैं। देखिए पेट के लिए मैंने कितनी जगहों पर नाटक करके पैसे कमाए हैं, लेकिन ऐसा गौरवशाली खानदान मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे लोगों पर इल्जाम डालने के लिए मेरे मन को बहुत दुख हो रहा है। आप किसी और से काम करवा लीजिए, मैं जा रही हूँ। ए टीचर, कितना आसान करके दिया है, तुम्हें क्यों जाना है, भेज दूंगा। हाँ नहीं समझी, अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, ऐसा पूरे गांव में फैला दिया, ये पाप है, और फिर शर्म के मारे टीचर ने फांसी लगा ली। हाँ भास्कर, क्या बहुत बड़ा काम किया है जो हंस रहा है? तेरी बात सुनकर मैंने साथ दिया ना कमीने, अमृत जैसे संसार में जहर घोल दिया ना, भगवान जैसे सरकार का अपमान कर दिया, तेरे जैसे इंसान को बीच रास्ते में बांध कर पत्थरों से मार मार कर मार देना चाहिए। रुक, आज ही सरकार को बोलकर पंचायत करवाता हूँ। ले जाकर गांव के बाहर फेंक दो। भिखारी की औलाद, जिंदगी भर खाया पिया हमारा और तरफदारी उसकी करता है उसकी। इंसान है तू, तू मेरी ही औलाद है क्या? मेरा खून है तू? गलती की मैंने, गलती से जन्म दिया तुझे। अरे अरे, अगर मुझे पता होता तेरे जैसा बेटा पैदा होगा तो मैं अपने आप को खत्म कर देती, खत्म कर देती है भगवान। ए, हमारा खानदान कैसा था, दुखियों के आंसू पोंछने वाला, हजारों कुटुंब के समझौता करने वाला, लाखों लोगों का पालन पोषण करने वाला, ऐसे उच्च खानदान में पली हुई मैं तेरे नीच खानदान में आ गई ना। ए, तेरा बाप एक जंगली जानवर था, उसने सच्चाई धर्म को भी मार डाला, और तू तो उससे भी बढ़कर राक्षस है, तुझे तो। ए, जीवन भर तेरे भाई के खानदान ने हमारे साथ नाइंसाफी की, फिर भी उनकी तरफदारी करती है तू। ए बुढ़िया, मेरे बाप ने तेरे भाई को मारा, मैं तेरे भाई के खानदान को सर्वनाश कर दूंगा। ए, देखते क्या हो, ले जाकर बंद कर दो इसे। अगर तू उनको कुछ करेगा तो भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा, तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा।
Oh!
गलती कर दी तू, तूने जल्दबाजी कर दी तूने। नहीं गलती मैंने नहीं, गलती तुमने की। उस टीचर को मारा इस चांडाल मेरे बेटे ने और सजा भुगती इस बच्चे ने। ठीक से छानबीन किए बिना आदेश दे दिया मेरे बेटे के लिए, अच्छा नहीं हुआ, ये न्याय नहीं है। बुआ, उस समय भैया ने जो फैसला सुनाया वही ठीक था। हमारे वंश में, सरकार के वंश में कभी भी गलत फैसला नहीं सुनाया है। भैया आपने कोई गलती नहीं की। सच्चाई धर्म की रक्षा करता आया है हमारा वंश। अगर ये बात सही है तो मेरे भैया को कुछ नहीं होगा। बाजी सरकार ठीक हो गए। सरकार बच गए। ए चुप, इतने साल तू बुलाता था, अब मैं बुलाऊंगा, समझ गया? मालकिन, हमेशा मैं ही बुलाता रहा हूं, आगे भी मैं ही बुलाऊंगा। हम दोनों क्यों लड़े, अब हम दोनों साथ में बुलाएंगे। मालकिन, सरकार आ रहे हैं। भाभी भैया आ रहे हैं। दादाजी? हम्म?